स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 है चैप्टर नंबर 8 की कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या बनता है अमोनिया गैस बनती है। वैल्यू ऑफ केसी इन दिस रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस, ये कितनी है वाला, हमें केसी की वैल्यू बताई गई है और हमें टेम्परेचर बताया गया है और हमें पता करना है, कैलकुलेट हमें करना है केपी फॉर दिस रिएक्शन, ये हमने हमारी स्टेटमेंट। अगर हम देखें केसी की वैल्यू और टेम्परेचर हमें गिवन है और टेम्परेचर है हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ क्या वाला 273, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या वाला 773, लेकिन अब ये क्या बन चुका है वाला केल्विन बन चुका है। आर की वैल्यू हमें इसमें यूज करनी पड़ेगी जो कि हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन, और आर की ये वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी। अगेन इक्वेशन लिखते हैं हम बैलेंस इक्वेशन, जिसमें ना हमें डेल एन कैलकुलेट करना आना चाहिए, और डेल एन होता क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से आप नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर देते हो। तो अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं भला 2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 3, हाइड्रोजन है और एक किसका है भला नाइट्रोजन का, तो 2 - 4 मतलब -2। अब फार्मूला मेरे पास ये है कि जो Kp है वो किसके इक्वल है Kc into Rt और Rt की पावर है डेल एन, डेल एन की वैल्यू हमने बैलेंस इक्वेशन को देख के निकाल ली है, Kc हमें गिवन है, टेम्परेचर है और R हमें जबानी याद है, तो हमारे पास Kp किसके इक्वल होगा Kp, इसमें Kc की वैल्यू लिखोगे पहले नंबर पे क्या है भला 6.0 × 10⁻²-2। अब R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 0.0821 और इसके जो है वो यूनिट हमें याद है, टेम्परेचर हमारे पास क्या है भला 773 और केल्विन यहाँ पे हमने -2 लिख दिया। इसे सॉल्व करने का इजी तरीका ये है 6.0 और इसे आप लिख लें यहाँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 63 point something, तो हम इसको फिर यहाँ पे लिख लेंगे 63.5 इसकी पावर आ जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास Kp का आंसर 1.5 × 10⁻²-5 आता है। हमने ना इसमें तीन चीजें ऑलरेडी जो है वो डिस्कस की हुई है कि जब भी नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं तो Kp और Kc इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे तो जो हमारा Kp होगा वो कम होगा। तो देख लें जो Kc की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है वो ज्यादा है और जो Kp हमारे पास आया इसकी वैल्यू हमारे पास है, कम है, तो जब जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे तब Kp भी क्या होगा भला कम होगा, किससे भला Kc से। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हमें ये बताया हुआ है कि जो एस्टिक एसिड है ये रिएक्ट करता है एथानोल के साथ और इससे हमारे पास ईस्टर बनता है और साथ में क्या बनता है वाटर बनता है। तो हमें ना इन चारों की इक्विलिब्रियम के ऊपर जो वैल्यूज है वो गिवन है और हमें केसी भी बता दिया गया। हमें ये बताना है कि इस टाइम पे जब ये इक्विलिब्रियम आ चुका है या जब ये वाली वैल्यूज हैं तो तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम केसी का फार्मूला, केसी क्या है, पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिख लें उसके बाद हम केसी का फार्मूला। तो बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन है, जो हमारे पास पहला रिएक्टेंट है ये है एस्टिक एसिड, ये हमारे पास एस्टिक एसिड है और इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, एथानोल के साथ, क्या भला C2H5OH, ये है जी हमारे पास रिएक्टेंट्स दोनों और इनसे हमारे पास क्या बनने वाला है प्रोडक्ट बनने वाला है। तो होगा क्या कि यहाँ ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप, सॉरी अगर हम इसको मैकेनिज्म के लिहाज से देखें तो इसने क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट देना है तो हम ये जो है वो मान के चलते हैं कि ये वाला जो है वो हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप कंबाइन होते हैं और वाटर बन जाता है और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये आ गया मेरे पास
यहां OH जाएगा और ये हमारे पास O C2H5 ये बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा H और OH मिलके क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। तो अब ये है बैलेंस इक्वेशन, इसको देख के हमें KC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, अब हमें पता करना है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर मैं KC का फार्मूला लिखूं तो मेरे पास क्या है आ रहा है भला कि जो पहला प्रोडक्ट है उसे आप ऊपर लिख लें, क्या है ये जो ईस्टर बना है ये सी डबल ओ और साथ में सी टू एच फाइव इन टू, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या है भला वो है हमारे पास एच टू ओ और हम डिवाइड किससे करेंगे जो दोनों रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन के साथ, तो एस्ट्रिक एसिड है हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन लेंगे हम और साथ में दूसरा रिएक्टेंट एथानॉल है C2H5OH इसकी कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इन चारों की वैल्यूज पुट करता हूं, ये जो हमारे पास है ये चारों वैल्यूज गिवन है, तो पहले हम ईस्टर की वैल्यू की बात करते हैं, तो क्या वैल्यू है इसकी, ये पहला जो पहला प्रोडक्ट है इसकी जगह 0.05 और जो दूसरा प्रोडक्ट है वाटर इसकी जगह पे 0.04 और जो हमारे पास पहला रिएक्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है 0.025 और दूसरे रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है 0.032। अगर हम इनको सॉल्व कर ले तो हमारे पास जो केसी की जो केसी का आंसर आता है वो आता है 2.50। और हमने ये पढ़ा कि अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशो का आंसर कम होगा किससे वाला केसी से, तो इसका मतलब है अभी और प्रोडक्ट की जरूरत है, अभी रिएक्टेंट उसमें ज्यादा है प्रोडक्ट उसमें कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कम आ रहा है जो ओरिजिनल हमें ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी, इसका मतलब है अभी रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं।